जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का जो विषय है वो कक्षा 10 के विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि अभी अब आप कक्षा 9 से 10 में प्रवेश किए हैं तो आपका क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा। तो कक्षा 10 विज्ञान, विज्ञान की जो अंग्रेजी होती है वो आप जानते हैं क्या है, SCIENCE, साइंस मीन्स विज्ञान। देखिए साइंस जो शब्द है यह लैटिन शब्द है साइंस। देखिए ये आपको विज्ञान हालांकि समझ में आती है लेकिन ये लैटिन वर्ड में लिखी गई है, ये शब्द में साधारण शब्दों में नहीं लिखा गया है। ये इसका जो लेखन है वो किसमें, लैटिन शब्दों में है, ठीक है, इसलिए कम समझ। तो जो साइंस है, साइंस का जो लैटिन वर्ड है वह है सिंटिया। क्या है? सिंटिया। और सिंटिया का जो अर्थ होता है, साइंस की जो ओरिजिन हुई है वो सिंटिया से हुई है, और सिंटिया का अर्थ होता है टू नो माने जानना। यानी विज्ञान जो होता है वह क्या है, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, विशेष जानकारी रखना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो अभी आप कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, अब आपको 10 में पढ़ा जाएगा विज्ञान। तो विज्ञान में देखिए आपका जो पहला पाठ है वह है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण ये आपका पाठ है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ये आपके चैप्टर पहले चैप्टर का यानी लेसन 1 का नाम है, ये आपका लेसन 1 है। तो आप जानते हैं कि जो कक्षा 10 है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान एक में ही समावेश किया गया है। तो उसमें पहला अध्याय किससे जुड़ा है, केमिस्ट्री विषय से जुड़ा है, रसायन विज्ञान से जुड़ा है। तो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया आपको पढ़ना, इसमें पहली हेडिंग आती है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन आता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चेंजेस। परिवर्तन क्या है? देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखिए पहला पॉइंट देखिए कि परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम। परिवर्तन अगर नहीं होता तो कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे देखिए बच्चा छोटा होता है उसके बाद परिवर्तन होता, बड़ा होता और बड़ा होता और बड़ा, दिन होती है दिन के बाद में रात होती है, फिर रात होती है फिर दिन, ये परिवर्तन लगातार होता रहता। जाड़ा गर्मी बरसात ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता, तो हर चीज में परिवर्तन होता। ठीक उसी प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन एक क्रमिक परिवर्तन होता रहा है या प्रकृति का नियम यानी कुदरत का, अल्लाह का, खुदा का करिश्मा है परिवर्तन करना, ठीक है। ये देखिए परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के परिवर्तन। देखिए एक है भौतिक परिवर्तन, पहला है और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला है फिजिकल चेंजेस अदर एंड केमिकल चेंजेस। अब आपको ये दोनों जानना बहुत जरूरी है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप पहले देखें भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था ही चेंज होती हो, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था ही चेंज होती हो, उसके संगठन पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ठीक है। अब भौतिक अवस्था जैसे क्या है, रंग है, रूप है, आकार है, ये तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन और उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक चीज और कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन को पुनः उसी रूप में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में
उसको उसी रूप में जिससे मान लीजिए परिवर्तन हो गया, तो उसका जो अंतिम है उत्पाद है उससे पुनः प्रारंभिक जिससे आपने किया था परिवर्तन उस अवस्था में वापस ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए बल्ब का जलना, बल्ब का जलना कहाँ कौन से परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला देखिए बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, देखिए बर्फ गल गया तो बर्फ मान लीजिए आपका ठोस है तो ठोस गलेगा तो द्रव में बनेगा और द्रव को यानी जल को पुनः फ्रिज में रख देंगे पुनः बर्फ बन जाएगा, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये सब परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। केवल भौतिकता ही चेंज होती है, उसका रंग रूप आकार चेंज हो जाता है लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन यानी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक चीज और, इसको मूल जो इसका उत्पाद है उसको मूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में, ये निश्चित है, ठीक है। दूसरा में देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हुआ परिवर्तन है जिसको परिवर्तित करने के बाद में आप उसको मूल अवस्था में नहीं ला सकते और इसमें जो परिवर्तन होगा वह पदार्थ का गुण धर्म रासायनिक संगठन सभी कुछ बदल करके रख देगा, ठीक है। जैसे क्या है आप देखिए, जैसे दूध है, देखिए दूध बढ़िया बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है आप जानते हैं, आपको जीवन में भी दूध की तरह बनना है, दूध की जो क्षमता है एक्सपायरी डेट है कितना दिन, 24 घंटे कम से कम या 2 घंटे 3 घंटे यानी 1 दिन रख सकते हो दूध को, ज़्यादा तो रख नहीं सकते ना, लेकिन दूध को अगर गर्म कर दिया जाए तो घंटे बढ़ जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे तक आप उसको कंजर्व कर सकते हैं रख सकते हैं। इसी दूध को जब आप गर्म करके दही मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, मक्खन मट्ठा बन जाता है, मक्खन आप 1 हफ्ते तक रख सकते हो, मक्खन देखा है ना दूध में निकाला जाता है मक्खन, मक्खन 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, और मक्खन को जब गर्म कर दिया जाता है तो क्या बनता है, घी। जो घी है वो कितने दिनों तक रख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, घी को आप 1 साल 2 साल तक रख सकते हो, है ना। तो वो इसी तरह से आप जितनी ही मेहनत करोगे, दूध की तरह है आप, जितना अगर आप तुरंत फल लेना चाहते हैं तो कच्चे दूध बन जाओ, और आपको विस्तार होना है आप गर्म होते जाए, गर्म मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाए, अपने आप को तपाते जाए, मेहनत करते जाए, यहाँ गर्म करने का मतलब सिर्फ ये है आपको मेहनत करना, अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आप घी भी हो सकते हैं, कि आप रहें ना रहें ये धारा जब तक रहेगी आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो भैया मेहनत करते रहो पढ़ते रहो। दूध है, दूध को आपने अगर दही बना दिया, दूध से क्या बनता है, दही, अगर दही बन गया तो दही को आप पुनः कहो कि दूध में परिवर्तित हो जाए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये चेंजेस कौन कहता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, इसी को कहते हैं केमिकल चेंजेस। लोहा है आपका और लोहा में, लोहे को आप खुले में रख देते हैं तो नमी यानी H2O उस पर नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और इसमें जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग। ये जब जंग लग गया तो ये लोहा खराब हो गया, है ना। अब ये जंग हुई लगे लोहे को पुनः आप लोहे में परिवर्तित मतलब उस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि दूध का दही बनना, लोहे पे जंग लगना, पदार्थ का जलना, जैसे आपने कहा लकड़ी कागज है जल जाए तो जलने के बाद में राख बन जाएगी, उसको आप कागज नहीं बना सकते हो, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, क्लियर। एक चीज यहां पर आप जान लीजिए, जो आपका लोहा होता है आयरन जिसको कहते हैं, इसमें जब जंग लगते हैं ना तो इसमें लोहे पर जो जंग लगता है आपके शरीर में जब कहीं इसे कटिंग हो जाती है, कट जाते हैं, घाव हो जाता है लोहे से, तो आप टिटनेस के इंजेक्शन जरूर लगवाते हैं, नहीं क्यों लगवाते हैं, क्योंकि ये जो टिटनेस मतलब जो जंग फैलाता है, जंग करता है लोहे पर, जो क्रिया करता है जंग, इसका एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लाइस्ट्रिडियम टिटेनी, क्या नाम है, क्लाइस्ट्रिडियम टिटेनी,
लिख दीजिए क्रास टेडियम टिटैनी एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से ही कौन सा रोग होता है, टिटनेस नामक रोग हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिटनेस के इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है। अगला है, अब आ गया आपका रासायनिक क्रिया। क्या है रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं। देखिए क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, एक दूसरा उत्पाद बनता हो, इस प्रकार के क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो आपने देखा है नौसादर, नौसादर तो देखा ही है, जो नौसादर होता है अमोनियम क्लोराइड, ये नौसादर पर जब चूने को मिलाते हैं, यानी नौसादर को लेकर के जब आप उसको अंगूठे से या उंगली से इससे रगड़ते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध आती है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बनती है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, या रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए देखिए अमोनियम क्लोराइड है, जब इस पर अभिक्रिया करते हैं CaO से, देखिए कली चूना है CaO, ये कली चूना है और CaOH का होल प्राइस किया जाएगा तब बुझा चूना होगा। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस NH3, ये अमोनिया हो गया। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अमोनियम था, यहाँ पर चूना था, जब इसको बनाया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया बन गई, तो एक अलग पदार्थ का निर्माण बनता है या एकल उत्पाद का या एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखना है आपको जरूरी है कि देखिए यहाँ पर जो आपके परमाणु हैं वो समान नहीं है, इससे बाद वाले जो आप पढ़ा जाएगा उसमें रिएक्शन बैलेंस पढ़ा जाएगा कि रासायनिक क्रियाओं को किस तरह से संतुलित किया जाता है। यहाँ पर देखिए Cl1 है, यहाँ पर Cl2 है, इसका मतलब दो यहाँ आगे कर दिया जाएगा। जब दो कर दिया जाएगा तो देखिए कहाँ 4 × 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 3, यहाँ पर तो कितने हैं, यहाँ पर 3 और 2 5 ही हैं। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, इसलिए यहाँ पर भी 2 आगे लगा जाएगा। अब देखिए सही हो गया, 2N 2N हो गया, 3 × 6 = 2 8, 4 × 8 ऑक्सीजन भी आपका 1 है, ऑक्सीजन हो गया Ca1 है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सुनिए बात, अब अगला है रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उनको तत्वों के रूप में, यानी जो उसके अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आता है,
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या तत्वों को उनके अणुसूत्र के रूप में लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर। अब रासायनिक समीकरण जब लिख देते हैं तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसको बैलेंस करके किया जाता है। जैसे संतुलित से जो होते हैं तो कोई बात, जो असंतुलित क्रिया होती है उसको कैसे संतुलित किया जाता है ये अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्लियर। देखिए जो रासायनिक क्रिया है ये किसे कहते हैं, आपको जानना है कि रासायनिक क्रिया क्या है। तो रासायनिक जो समीकरण होते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये और ये आपका बी है, ए क्रिया करेगा तो ए बी बनाएगा मान लीजिए। तो जो ये और बी है ये कोई पदार्थ है, क्या है पदार्थ, तो इन पदार्थों को सूत्र के रूप में रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक में अब तक कितने तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो ये और भी ये जो पदार्थ हैं इनको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये और भी से क्या बनता है, ए भी बनेगा। तो देखिये ये और भी जो होता है, यहां पर देखिए जो ये और भी है ये अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है वो है, तो इसे कहते हैं, यहां से आकर ध्यान रखना, इसके इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया करने के उपरांत में जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, जैसे देखो जैसे जल है और चीनी है, मान लीजिए जल चीनी और अदरक मिला दिया और क्या कर दिया आपने, इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, किसमें, फ्राई जा रहा है ना आपका, गर्म कर दिया इसको। जो तो देखे जल मिलाया, चीनी मिलाया, यहां पर दूध भी मिला लो या दूध चीनी दूध मिलाओ, तो दूध या जल चीनी अदरक आपने अगर मिलाया और यहां पर डाला चाय पत्ती, क्या डाला, चाय पत्ती, तो इतना लेकर के आपने इसको क्या किया है, गर्म किया है, और गर्म करने के उपरांत क्या बनेगा, यहां पर चाय, गर्मा गर्म चाय बन गई ना चाय। तो जो चाय आपकी बनी है इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। और अभिक्रिया में यानी उत्पाद को बनाने में जिन पदार्थों का प्रयोग किया गया वो है आपके अभिकारक। क्या है, तो ये हो गया आपका अभिकारक। ध्यान रखना समझिए कि उत्पाद को प्राप्त करने में जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अभिकारक, और इन पदार्थों से जो चीज प्राप्त होता है, अब ये जान मानिए इन पदार्थ है, इन पदार्थों से आपने क्रिया के फलस्वरूप जो चीज प्राप्त किया है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो आप आज जाने की अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया करके जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये नए पदार्थ है, ये नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो नया पदार्थ है आपका इसे कहते हैं उत्पाद, और जो उत्पाद को बनाने में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए दूध है और आपने चावल मिला दिया, फिर इसमें चीनी मिला दिया, ठीक है, और इसमें मेवा मिलाया, क्या मिलाया, मेवा, और इन सबको लेकर के आपने क्या किया, गर्म कर दिया, देखो इसमें गर्म कर दिया ना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मीठी खीर। क्या बनेगा, खीर। तो यहां पर खीर क्या है भाई, अच्छी लगती है ना, जो खीर है, खीर यहां पर उत्पाद है, क्या है, उत्पाद। और खीर को बनाने में जो मटेरियल आपने जो प्रयोग किया है वह है दूध चावल चीनी मेवा,
तो दूध चावल और चीनी और मेवा क्या है, ये आपके हैं अधिकार। क्या है? अधिकार। ध्यान रखना, अभिकारक को तीर से पहले लिखते हैं। ये तीर या बराबर का निशान होता है, तो इससे पहले जितने भी प्रयोग करने वाले पदार्थ हैं उसको क्या करते हैं, आप पहले लिखते हैं। भाई जब आप प्रेशर कुकर में दाल बनाना स्टार्ट करते हैं तो सब प्रथम में आप जितने भी मटेरियल हैं सब लेकर के एक बार एक साथ में, तो गर्म करते हैं एक साथ में ले लेते हैं, तो जितने भी आपने मटेरियल ले लिया, सामान ले लिया, प्रयुक्त सामान, वो आपका अभिकारक होगा। और जब आप उसको गैस पर चढ़ा देते हैं या अंगीठी पर चढ़ा देते हैं, और उसके बाद में जब प्रेशर कुकर सीटी मारता है, आ जा भैया एक दो तीन चार हो गया, तब जब आप खोलते हैं उससे जो उसका जो प्राप्त होता है, जब आप ढक्कन खोलते हैं तब जो प्राप्त होता है वो आपका उत्पाद होगा, और उससे पहले जो आपने मिलाया वह क्या होगा, अधिकारक। क्लियर? तो अधिकारक क्या है, उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिकारक कहते हैं। अधिकारक बाई ओर लिखा जाता है और उत्पाद दाई ओर लिखे जाते हैं। अगर एक ही अधिकारक है तो एक ही पदार्थ होगा, और अगर एक से अधिक पदार्थ है तो उनके बीच में प्लस प्लस का निशान लगा करके पूरे अधिकारक को लिख दिया जाता है। फिर उत्पाद में अगर कई ज्यादा उत्पाद बनते हैं तो उनके मध्य में भी प्लस का निशान लगा दिया जाता है, और बीच में तीर या बराबर का निशान लगाया जाता है जिसको गिप्साउ कहते हैं या बराबर कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो अब यहीं पर, अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। अगर आप संतुलित करना नहीं जान पाएंगे तो यहां से नहीं हर वक्त गोता खाएंगे, इसलिए आप अगला वाला वीडियो बड़ा ही आपके लिए रोमांचक होगा। तो बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।